अब हम नया क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन है इफ 1 प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस डॉट 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 और कहां तक जा रहा है इनफिनिटी तक देन वाई इक्वल्स और ये आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में है x अपॉन x माइनस वन, बी में है x अपॉन वन माइनस x, सी में है x माइनस वन अपॉन x और डी ऑप्शन में है वन माइनस x अपॉन x। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। x इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस डॉट 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 और ये आपके पास इन्फिनिटी तक गया है। अब मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, उसके बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि ये आपकी जो जीपी दिखाई दे रही है वो इनफाइनाइट टर्म्स की है। उनको जो वाई था उसको हमने ए आर स्क्वायर टाइप में ले लिया, जैसा मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है। यहाँ पर भी देखो नेक्स्ट टर्म में जब आप एडजस्टेंट प्रीवियस टर्म का डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखो y अपॉन वन क्या आ गया y, ऐसे ही यहाँ पर देखो y स्क्वायर अपॉन y क्या आया y, ऐसे ही नेक्स्ट टर्म क्या रहा होगा y क्यूब आया होगा, तो y क्यूब अपॉन y स्क्वायर क्या मिलेगा y। तो ये चीज आपको मैंने थ्योरी में पढ़ाई, तो थ्योरी में पढ़ाया उस टाइम बताया था एस इन्फिनिटिव क्या होता है ए अपॉन वन माइनस आर, ये फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका, जहाँ पर ए है वो क्या होता था फर्स्ट टर्म और आपके पास जो आर है वो क्या होता था कॉमन रेशियो। तो देखिए आपके पास एस इन्फिनिटिव इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर है और इसका इस फॉर्मूले का जो एप्लीकेशन है वो हमें यहाँ पर यूज करना है और इसको देख करके जो कॉमन रेशियो इक्वल आए उनको देख करके हमें पता लगा कि ये जीपी में है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे और ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है ध्यान से देखना। एक्स इक्वल टू ए का मतलब वन अपॉन वन माइनस आर, आर क्या था कॉमन रेशियो क्या है वाई। अब कई सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला क्या लगा है, तो देख लो ए अपॉन वन माइनस आर वेयर ए इक्वल टू क्या है आपके पास वन और स्मॉल आर कॉमन रेशियो क्या होगा नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। आप कोई भी टर्म्स को लेके देख सकते हो ऐसे किसी को भी, लेकिन एक बात याद रखना कि आपको एक जो फिक्स टर्म होती है उससे तुरंत पिछले वाली प्रीवियस टर्म एडजस्टेंट प्रीवियस टर्म को देखना है। और जब आपने देखा कि r की वैल्यू आपके पास y मिली है इस एस इन्फिनिटिव a अपॉन वन माइनस आर है, अब इसे देखिए यहाँ पर अपन वन लगा ले तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा x इंटू वन अपॉन माइनस वाई इक्वल टू वन। इसे सोल्व किए x माइनस एक्स वाई इक्वल टू वन। अब आपको चाहिए क्या y की वैल्यू चाहिए तो सेपरेशन करो, सेपरेशन करने पर देखना x माइनस वन ये x है और 1 जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो x माइनस वन होगा और ये क्या आ गया एक्स वाई, ये एक्स वाई हो गया। उसके बाद देखना अगर आप ये समझे कि ये 50 का नोट है और ये भी 50 का नोट है और अगर मैं इन दोनों को यूं कर दूं तो भी वो 50 के ही नजर आएंगे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है इनको आपस में चेंज भी कर दें तो चेंज करने से कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस वन और यहाँ से आया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। इस प्रकार से हमने सेकंड क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है उसको ये पूरा जो आंसर आया है इसको ऑप्शन से मैच करिएगा, तो ऑप्शन ए देखो x अपॉन x माइनस वन है, यहाँ पर x अपॉन वन माइनस एक्स है, ये x माइनस वन अपॉन x है, इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन सी से मैच हुआ है, तो हमारा फाइनल आंसर हुआ x माइनस वन अपॉन x। और ये क्वेश्चन आपने देखा इस टाइप के क्वेश्चन
ये एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में किस लेवल के आते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और देखते हैं जीएम ऑफ द नंबर्स 3, 3² 3³ ……3⁴ इज, ऑप्शन है अपने पास 3² / n, 3⁻², और 3⁻n+1/2। ध्यान देना ये n+1 कंप्लीट है, ऐसे यहाँ पर n-1/2 है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप जीपी के केस नंबर सेकंड पे जाइए, और केस सेकंड में मैंने लिखवाया था कि a1, a2, a3 इस प्रकार से आपके पास an पॉजिटिव नंबर्स हैं, और उनका gm आप किस प्रकार से फाइंड आउट किया था, a1.a2, ये डॉट मल्टीप्लाई का है, ऐसे ही a3, a4, ua और an, और इसकी पावर क्या किया था 1/n। देखिए जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उन सब क्वेश्चंस की मैं आपको पहले फॉर्मूला बताता हूँ, उसके बाद मैं उस पर रिलेटेड जो एप्लीकेशन होती है वो क्वेश्चन के थ्रू पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो देखना आप इस क्वेश्चन को अब आगे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब आपने इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि a1, a2, a3, a4, …an और कंप्लीट की पावर अगर 1/n करते हो तो आपको gm मिल जाएगा। ऐसे ही आपके पास अब ये नंबर है, अब ये नंबर आपकी नज़र में होना चाहिए a1, a2, a3 इस प्रकार से, और ये कौन सा होना चाहिए an। अब देखो इसको थोड़ा सा सही तरीके से हम लिख लेते हैं, 3⁻³ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद में 3² 3³ ऐसे करते करते 3⁻n। ये आपके पास n पॉजिटिव नंबर्स को मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद देखो 3⁻ डॉट, अब हम gm की बात करेंगे, तो gm कैसे फाइंड आउट करेंगे देखना, 3⁻₁, 3⁻², 3³ ऐसे करते करते 3⁻n, और कंप्लीट का पावर क्या हो जाएगा 1/n। अब उसके बाद देखना जब बेस आपको कहीं भी इक्वल नजर आए, तो ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि पावर्स जो होती हैं वो सब ऐड हो जाती हैं, तो देखिए 1+2+3+ ऐसे करते करते आपको जाना है n तक, और उसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। अब उसके बाद देखिए इसको देखना ध्यान से, 1, 2, 3+……n अगर ये वैल्यू हमें पता हो तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इस वैल्यू को किस प्रकार से देखेंगे ध्यान देना, 1+2+3+……n और इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है इस वैल्यू का वो होता है n×n+1/2। ये आपको लर्न होना चाहिए, इसको मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये आता कैसे है। देखो एक बार आप 1, 2, 3, 4 इस टाइप से आपने n तक डिजिट्स लिए, और अब इनको आपको क्या करना है ऐड करना है, और जब इनको आप ऐड करोगे तो ये 1+2+3+4+……n की तरह नजर आएगा। अब देखो ये आपके पास क्या बन गया है, ये कंप्लीट आपके पास एपी बन गया है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है एन है, और इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था n/2 a+l, जहां पर देखिए एन क्या था नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी, ए क्या है फर्स्ट टर्म और एल क्या है लास्ट टर्म, तो देखिए n/2 फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 1 और लास्ट टर्म क्या है n, तो आप क्या कह सकते हो n, और इसको हल्का सा अरेंजमेंट कर दीजिए n×n+1/2। इस प्रकार से आपने 1+2+3+……n का वैल्यू n×n+1/2 को बता दिया है। अब इसको यहाँ पर इस वैल्यू को मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट करता हूँ, तो देखिए 3 और क्या आ जाएगा n×n+1/2 और इसकी पावर हो गई 1/n। अब ध्यान देना जो कॉर्नर में पावर्स आती हैं वो हमेशा
मल्टीप्लाई होती है, तो आपको n से n को कैंसिल आउट कर देना है, उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, 3n प्लस 1 अपॉन में 2, ये आपके पास फाइनल आया है। अब देखो कि ये आंसर अपना जो आया है वो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो हमने देखा कि ये 3 की पावर n प्लस 1 बाई 2 यानी ये ऑप्शन नंबर सी से मैच किया, तो हमारा फाइनल आंसर सी रहा।